नमस्कार, मैं हयात अब्बास, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यूपी प्रभारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। संजय जी, मेरा सवाल ये है कि आम आदमी पहली बार उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाने जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, तो किस तरह की तैयारी कर रखी है? देखिए, अभी जो पिछला चुनाव हुआ है ये हम लोगों के लिए काफी उत्साहजनक है कि यूपी में हम लोग 1600 सीटों पे जिला पंचायत का चुनाव लड़े, 40 लाख वोट मिला है और 85 हमने जिला पंचायत की सीटें जीती। तो पहले ही चुनाव में कांग्रेस से बड़ी पार्टी बन के उभर के आई है उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी। 350 हमारे प्रधान जीते हैं, 232 हमारे बीडीसी के सदस्य जीते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 10 महीनों में जो आम आदमी पार्टी ने संघर्ष किया है, काम किया है, हमारे फ्रंटल संगठनों ने काम किया है, लाठियां खाई है कार्यकर्ताओं ने, जेल गए हैं, उसकी बदौलत और आने वाले दिनों में जो दिल्ली के केजरीवाल सरकार की जो नीतियां हैं, जो हमको गांव गांव घर घर पहुंचाना है, उन सवालों को लेकर जब हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता का अच्छा समर्थन मिलेगा, वोट मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास। मतलब इतना पक्का हो गया है कि अब दिल्ली में अपनी सिक्का जमाने के बाद उत्तर प्रदेश की तैयारी है जी? मतलब उत्तर प्रदेश में हम लोग पिछले 10 महीनों से काफी मेहनत करके काम कर रहे हैं और दिल्ली हमारा एक मॉडल है जो मॉडल इस पूरे देश के लिए जरूरी है। और इतना ही नहीं, दुनिया के तमाम मुल्क दिल्ली के मॉडल की तारीफ करते हैं, केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ करते हैं, उनके एजुकेशन मॉडल की तारीफ करते हैं, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में की जाती है। तो मुझे लगता है कि आज मुफ्त बिजली किसको नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में, चाहिए। मेरा एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा वैक्सीन देने वाला प्रदेश बन गया, मतलब वैक्सीन को यहाँ पे कमी नहीं हो रही है और हर इंसान को वैक्सीन दी जा रही है, इस पर आप ये किसने कह दिया? आपसे वैक्सीन लगने का जो रेट है उसको निकाल कर आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी राज्यों में है। तो वैक्सीन लोगों को लगी नहीं, पहली और दूसरी डोज दोनों मिला के अगर आप आंकड़ा यूपी का देखेंगे तो हम बड़े फिसड्डी राज्यों में से एक है। और उसकी वजह है कि हमारे आदित्यनाथ जी को इस बात की चिंता नहीं कि किसको वैक्सीन लग रही है नहीं लग रही है, उनको इस बात की भी चिंता नहीं कि कोरोना में किसकी जिंदगी बर्बाद हुई, किसको कैसे, अनाथ बच्चों को कैसे पालन पोषण किया जाएगा, कैसे जो लोग बेरोजगार हुए उनको रोजगार दिया जाएगा। उनको चिंता सिर्फ इस वक्त अपनी कुर्सी बचाने की है। वो बेचारे सुबह उठते हैं तो अमित शाह के यहाँ घुटना टेक, फिर शाम को मोदी के यहाँ घुटना टेक, फिर सुबह उठ के नड्डा के यहाँ घुटना टेक। तो घुटना टेक मुख्यमंत्री से कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, अपनी कुर्सी बचाने की कवायद में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी जीत जाती है उसके बाद कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों के लिए लाएगी? देखिए, हमारी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो योजना रही है वो फ्री बिजली की, वो हम यूपी में भी कर सकते हैं। लोग हमसे पूछते हैं बहुत बड़ा प्रदेश है, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा प्रदेश है तो बजट भी बहुत बड़ा है। दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़, यूपी का बजट है 5.5 लाख करोड़, तो फ्री बिजली की योजना है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, ये सब तमाम योजना हम ला सकते हैं। तो दिल्ली की योजनाएं उत्तर प्रदेश में अक्षरशः लागू की जा सकती है। महिलाओं के लिए बस की फ्री यात्रा है, बेरोजगारी भत्ता है, नौजवानों को नौकरियां हैं, इतने संसाधन उत्तर प्रदेश में है कि आप 1000 काम यहाँ पे कर सकते हैं। सरकार की नियत होनी चाहिए, जो नहीं है सरकार में, इच्छा शक्ति नहीं है लोगों के लिए काम करने की। उत्तर प्रदेश के कौन से मुद्दे पर नजर करने वाली, कौन से मुद्दों पर सवाल उठाने वाली है सरकार? देखिए, आम आदमी पार्टी का प्रमुख मुद्दा है बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, जो यूपी के लिए हम लोग काम करेंगे। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे 7 साल 8 साल 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में एसएसपी हत्या करवाता है, रंगदारी मांगता है, पाटीदार फरार है अभी तक, तो इसलिए यहाँ अपराध बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने देखा किस तरीके से शिक्षा मंत्री ने अनाप शनाप कितनी संपत्तियां बनाई, मैंने उसका खुलासा किया, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपने भाई का फर्जी ईडब्ल्यूएस कोटा बना के एक मंत्री नौकरी ले रहा है, यह है उत्तर प्रदेश की असलियत।
और वो नौकरी किसके लिए, गरीब सवर्ण बच्चों के लिए नौकरी, उस नौकरी को अपने भाई को दिलवा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मुद्दे बहुत हैं और उसके लिए आम आदमी पार्टी के पास योजनाएं बहुत हैं कि हम यूपी के लिए क्या करेंगे। फ्री बिजली, बेरोजगारी भत्ता, नौजवानों को नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर हम काम करेंगे। अगर अगर उत्तर प्रदेश सरकार में आना चाहती है आम आदमी पार्टी और उसको जीत के लिए किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ गया तो क्या करेंगे? मुझे लगता है कि ये काल्पनिक सवाल है, वक्त आने के बाद इस पर तय करेंगे हमारी क्या परिस्थिति रहती है नहीं रहती है। हम तो प्रदेश की जनता के सामने दिल्ली का एक मॉडल रखेंगे, हम प्रदेश की जनता के सामने अपनी बातें रखेंगे कि हम उत्तर प्रदेश के बारे में क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं और उस पर जनता का समर्थन मांगेंगे। अब जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, जैसे दिल्ली में मिला यूपी में मिलेगा, तो हम काम करके दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि उसके लिए अभी इंतजार करना चाहिए, गठबंधन वगैरह की बातें अभी बहुत जल्दबाजी है। और कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी? अभी हमने शुरुआत की है कुछ कुछ सीटों पे, जहाँ पे कि हम लोग प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं, प्रभारी बना रहे हैं, वो उनके माध्यम से अपना प्रचार, वो लोग कमेटियां बनाने का, सेक्टर और बूथ की कमेटियां बनाने का काम शुरू करेंगे। कितने सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे ये तस्वीर 2-3 महीने में साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।